आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं और अमरजीत सिंह का अमरजीत भाई जी, देखिए हम 15 दिनों में महीने में 2 बार आपकी बात कार्यक्रम लेकर के हाजिर होते हैं श्रोताओं के लिए, और उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बीच जो कार्यक्रम हमारे श्रोताओं ने सुना उसमें सबके क्या विचार बने, क्या राय रही जी, क्या वो परिवर्तन चाहते हैं। तो इस बार त्योहार भी नजदीक सब आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जरा आपका जो पिटारा है जी, जिसमें संदेशों का पिटारा जिसे मैं कहूंगा, उसमें सबसे पहले संदेश किसका आया और कहाँ से आया? पहला संदेश हमारे पास आया है दुल्लापुर नवाबगंज गोंडा से शिवराम निषाद और इनके परिवार के लोगों की ओर से। शिवराम जी को मैं पहले ही धन्यवाद देता हूँ कि हमारे रेगुलर माने नियत श्रोता है, ये नियमित रूप से कार्यक्रमों को सुनते हैं, गुनते हैं, अपना संदेश देते हैं। सबसे पहले तो आपकी बात कार्यक्रम के लिए ही सुझाव दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम को आप हर सप्ताह कर दीजिए, क्योंकि इसमें बराबर लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए श्रीराम जी, पहले जब हम बराबर इसको कर रहे थे जी, तो हमारे श्रोता आपकी बात करने नहीं चाहते थे। अभी भी संख्या कम है। संख्या कम है, तो किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए श्रीराम जी कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे श्रोताओं ने जब अपना संदेश देना कर लिखना बंद कर दिया तो हम ये जान ही नहीं पाते थे किसका क्या विचार है, तो हमको कार्यक्रमों की संख्या जो है वो घटानी पड़ी। आगे क्या लिखते हैं? अच्छा, दूसरी बात लिख रहे हैं कि जो व्हाट्सएप फरमाइश है आपके संदेश आपके गीत, उसको भी कह रहे हैं कि आप 3 दिन लगातार करवाइए। इसके अलावा हेलो फैजाबाद आप कर सकते हैं और शनिवार को भी ये हेलो फैजाबाद मांग रहे हैं एक दिन। साथ ही साथ विविध भारती के कार्यक्रम इनको अच्छे नहीं लगते हैं, शुरू से कहते चले आ रहे हैं, और आकाशवाणी फैजाबाद के ही कार्यक्रम इनको ज्यादा अच्छे लगते हैं और इन्हीं कार्यक्रमों को ये सुनते भी हैं। अच्छा अमरजीत जी, हमें ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि स्थान विशेष होने के कारण विविध भारती के कार्यक्रम लोगों को क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया जा रहा है। क्या ऐसी बात है कि जो उनको अच्छे नहीं लगते हैं? कार्यक्रम किसी भी केंद्र पर तैयार होता है वो श्रोताओं के हित में, श्रोताओं को सोच के तैयार होता है, चाहे वो लखनऊ केंद्र हो, गोरखपुर केंद्र हो, फैजाबाद केंद्र हो, और विविध भारती का मुंबई केंद्र हो, बम्बई केंद्र हो, या दिल्ली का केंद्र हो। जी ऐसा जी, अभी विविध भारती ने भी अपने कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन किया है, करते भी रहते हैं। अभी उन्होंने, मैं भी सुन रहा था, सबरस एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है दिन में 11 बजे के आसपास जी, तो उसमें वो भजन भी सुनवा रहे हैं, गजलें भी सुनवा रहे हैं। जैसे गजलें हमारे केंद्र से अब बिल्कुल नहीं सुन पा रहे श्रोता, तो विविध भारती के प्रसारण में सुन सकते हैं। अच्छा, जो परिवर्तन है वो तो प्रगति का नियम है जी, हमेशा एक सा मोनोटोनस नहीं रहता, परिवर्तन मानने साले भी करता है, हम लोग भी अपने केंद्र पर करते हैं, तो ये जो थोड़ा सा परिवर्तन एक बार हुआ है तो इसके साथ भी हमारे श्रोताओं को आनंद उठाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि फिर कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा जी, मानते हैं कि नहीं? क्योंकि श्रोता जो है वो मनोरंजक कार्यक्रमों की ओर रुझान उनका ज्यादा है। हाँ, देखिए हमारे यहाँ से प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम, नारी जगत, बाल जगत, युववाणी, किसान वाणी, ग्राम जगत, इन सभी कार्यक्रमों में कितनी ही जानकारी दी जाती है, अलग अलग तरह की जानकारी मिल जाती है, संबंधी भेंट वार्ताएं भी होती हैं प्रणाम अयोध्या में। बिल्कुल, या फिर आपका जो कार्यक्रम होता है आपका स्वास्थ्य, इसको भी देखते हैं पहले सोमवार, तो गुनना चाहिए और ये देखना चाहिए। अगर कोई ये लिखता है कि हमें वो पसंद नहीं है, तो हमने अभी तक ये किसी को नहीं देखा कि कोई कारण लिख दिया कि इस कारण से हमको जो है विविध भारती के कार्यक्रम पसंद नहीं है, उसमें गुणवत्ता नहीं है, श्रवणीयता नहीं है या कुछ और है। अच्छा, एक बात और लिख रहे हैं ये शिवराम निषाद की, कोई ऐसा कार्यक्रम आप शुरू कीजिए जिसमें 2 एंकर एक साथ काम करें और शाम 6 बजे से लेकर 10 मिनट का भक्ति संगीत का भी प्रोग्राम दे, तो 6 बजे तो हिंदी समाचार आता है। शिवराम जी, हमको भी सोचने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन करने में वो चीजें नहीं हो सकती। 2 एंकर एक साथ कभी भी काम नहीं किए हैं और कभी काम नहीं करेंगे, ऐसा तो पहले से नियत है, तो ये संभव नहीं दिखता है। अगला संदेश हमारे पास अवनीश यादव का पहुंचा है, पारा कली अयोध्या से। अवनीश जी क्या लिखते हैं? बहुत छोटा सा संदेश है इनका, लिख रहे हैं कि हेलो फैजाबाद कार्यक्रम इनको बहुत ही अच्छा लगता है और अपना इन्होंने फोन नंबर भी लिखा, ये अच्छी बात की है। हाँ, क्योंकि जब हम श्रोताओं के संदेशों को क्रमबद्ध करते हैं, रजिस्टर में रखते हैं हम, बिल्कुल प्रिंटआउट निकलवा के, हाँ, तो उसमें इनके फोन नंबर भी लिखे जाते हैं, तो हमारे जितने भी श्रोता हैं जब भी अपना संदेश कोई भेजे तो इनका वैसे तो नंबर तो व्हाट्सएप पे आ ही जाता है, लेकिन अपने संदेश में भी अगर ये फोन नंबर लिख देंगे तो कभी संवाद करना हो तो हम फट से संवाद और आसानी होगी। बिल्कुल सही बात कहा आपने, तो हम अपने श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि अपना नंबर भी लिखा करें। देखिए जिसे अमरजीत जी ने अभी कहा, तो ये कहने का मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें ताकि हमारे कार्यक्रम में सुगमता बनी रहे। तो अगली बार ये अपना संदेश थोड़ा और बड़ा थोड़ा लिखेंगे कार्यक्रमों के बारे में भी। बिल्कुल अमरजीत जी, हाँ, सब आनंद हमें तभी है जब आप उसके गुण दोष की विवेचना करें, कुछ अपने सुझाव दें,
और कुछ परिवर्तन अगर आपको लगता है कि किसी कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करके उसको सुंदर बनाया जा सकता है, आपके विचार मेरी चाहता है तो आपसे जरूर लिखें। और ये अगला संदेश हमारे पास लग रहा है पहली बार पहुंचा है, ये ग्राम कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर से। भाई बहुत दूर कुशीनगर से ये संदेश आ गया, इसका मतलब हमारे श्रोता जो है कुशीनगर के जी नेपाल बॉर्डर है बिल्कुल सुनते हैं, आप तो जानते हैं हम उधर के ही निवासी हैं। ये सदानंद यादव यहाँ से हैं और इन्होंने कैपिटल में लिखा है AKPM, वैसे तो AKB हो गया आपकी बात, लेकिन ये पुराने श्रोता लगते हैं इसलिए इनको AKPM याद है। जी जी, हाँ। बहुत दिनों के बाद ये जुड़े हों फिर पत्राचार कर रहे हैं। बिल्कुल, सदानंद जी ने क्या कुछ अपेक्षाएं? सबसे पहले इन्होंने आकाशवाणी परिवार को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की हार्दिक बधाई दी है जो त्योहार आने वाले हैं, और 7 जुलाई को जो भी कल बीता है उसमें इनको रात 9:30 बजे जो गीत गुंजन पेश किया गया वो सारे गाने इनको बहुत अच्छे लगे, और आकाशवाणी फैजाबाद के जितने भी कार्यक्रम है सब एक से बढ़कर एक हैं, जैसे सुबह में प्रणाम अभिया आता है, मेरा शहर मेरे गीत आता है, रात में हेलो फैजाबाद, आपके संदेश आपके गीत, गीत गुंजन, और शाम के समय युववाणी कार्यक्रम। एक इनको भी शिकायत है जैसे अन्य श्रोताओं को है कि विविध भारती के कार्यक्रम कम सुनवाएं और अपने केंद्र के कार्यक्रम ज्यादा सुनवाएं, और जो पुराने कार्यक्रम है जागो जिंदगी, अमृत कलश और गीत बहार कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रमों में शामिल करें। ये तो शामिल होगा, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है कि अगर कोई वेद भारती को पत्र लिखता होगा तो वो क्या लिखता होगा कि आपके कार्यक्रम सुनेंगे कि नहीं, आप दूसरे कार्यक्रम सुनवाएं। जी, उनके पास भी खजाना है, पूरा पिटारा है अलग अलग कार्यक्रमों का। विविध भारती हमारा ही अंग है और हम विविध भारती के अंग है, हम सभी लोग एक मानव सारे में के स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक दूसरे के यहाँ जो गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम तैयार करते हैं इसको आर्काइव के माध्यम से हम एक से दूसरी जगह इसको शेयर कर सकते हैं, सुना सकते हैं। संजय जी, आजादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मना ही रहे हैं जी। अब देखिए संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम आता है FM रेनबो दिल्ली से। हाँ बिल्कुल, वो संडे के दिन 4 बजे हम लोग रिले करते हैं। हाँ, का बिल्कुल, और उसमें जितने भी सैनिक होते हैं फौजी भाई होते हैं, वसुधा सिंह जो एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने कभी यहाँ पर क्रांति का दीप जलाया था जी, तो उनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैसे कैसे इन लोगों ने कार्य किए जिससे हमारा देश आगे चल के आजाद हुआ। तो ये यही कहने वाले थे अयोध्या के ही, तो इसको जरूर सुने गुने और प्रणाम अयोध्या के माध्यम से अपने संदेशों के माध्यम से हमें बताएं कि कैसा लगा उनको। तो जब आपने आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी की बात की है तो मेरे पास भी एक जानकारी है जो आने वाला हेलो फैजाबाद कार्यक्रम है 12 अगस्त का, उसमें जो टॉपिक होगा वो हर घर तिरंगा। वाह क्या बात है। इस टॉपिक पर हम लोग श्रोताओं से बात करेंगे जो भी उस दिन का एंकर रहेगा। बिल्कुल, तो कभी कभी हेलो फैजाबाद में हम लोग टॉपिक पर भी आ रहे हैं, गाने भी सुनवा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम से भी लोग जुड़े। अभी हाल ही में कोविड जो बूस्टर डोज पर प्रोग्राम हुआ है, जानते हैं मौसम हमारी आस्था का केंद्र है हमारा तिरंगा, हमारी श्रद्धा का केंद्र है और हमारी शक्ति का केंद्र भी तिरंगा ही है। तो इसके बारे में हमारे श्रोता कैसी राय रखते हैं, क्या क्या फीलिंग्स हैं उनकी, ये उस दिन जरूर शेयर करें। बाकी ये इनको सदानंद यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए। बिल्कुल, उनका स्वागत है और उम्मीद है कि आगे भी ये लगातार अपने संदेशों के माध्यम से आकाशवाणी फैजाबाद के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, ये पुरानी भिलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुल सिद्दीकी, जिशान अहमद शहनवास और इनका पूरा परिवार। हाँ नौशाद जी, क्या संदेश में लिखते हैं? ये जो है आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम का सुबह से ही इंतजार करते हैं। क्या बात है, ये तो और संदेश भी भेजते हैं, ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन कभी कभी इनको निराशा भी लग जाती है जिस दिन इनका मैसेज शामिल नहीं होता। नौशाद भाई, हमेशा आशाएं कहाँ पूरी होती है, कभी कभी तो उसमें ब्रेक लगता ही है। अच्छा, आगे लिख रहे हैं कि आप लोगों की मखमली आवाज और इस कार्यक्रम के सहारे क्या बात है, इनकी सांसें चल रही हैं। क्या बात है, आप मेरे पास चार चार लगा दिए भाई। हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि सांसों को आपकी नजरे इनायत की सख्त जरूरत है, और निराश मत कीजिएगा, मैसेज हमारा शामिल कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैसेज तो शामिल हो गया, मेरा मन करता है कि मैं कुर्सी पर से खड़ा होकर गाली बजा दूं। इतना इन्होंने प्रेम से पगा हुआ संदेश हमको लिख भेजा है कि इच्छा होती है कि इनके साथ रूबरू हो जाए, हम लोग आमने सामने हो जाए। एक बात इन्होंने नौशाद अहमद सिद्दीकी ने और लिखी है और तिरंगा के साथ अपना मैसेज किया है। हाँ। लिख रहे हैं कि अब हर घर होगा तिरंगा। क्या क्या बात है, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि मैंने तो आजादी का अमृत महोत्सव का आजादी का तिरंगा सर्टिफिकेट बना लिया है, डाउनलोड कर लिया, क्या आपने भी कर लिया है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने भी किया है और लगातार आकाशवाणी के माध्यम से ये प्रयास है कि हम सभी के घर पर तिरंगा जो है, जैसा कि सरकार का अनुरोध है और हम सबके मन में जो श्रद्धा है उसके अनुरूप ये 75 वर्ष जो हमारे स्वतंत्रता के पूरे हो रहे हैं,
तो हम सबको जो है अपने घर पर तिरंगा लहरा करके देश के स्वाभिमान के लिए सबको जागृत करना है कि कैसे हम अपने तिरंगा के स्वाभिमान को रक्षा कर सके। और संजय जी, ये संदेश भी पहली बार मिल रहा है इस कार्यक्रम में, अमित कुमार शुक्ला इंडिया थोक जिला गोंडा से, और यहीं से निधि तिवारी, साधना शुक्ला और पलक शुक्ला भी हैं। ठीक है, हमको तो लगता है साधना शुक्ला जी का आता है संदेश। हाँ आता है, हो सकता है कोई और ये साधना शुक्ला हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन्होंने हेलो फैजाबाद फिर भी स्वागत है जी पसंद किया है। हेलो फैजाबाद जी, कॉलिंग नंबर ये हेलो फैजाबाद का जानना चाह रही, वैसे बराबर बताया जा रहा, प्रोमो भी उसके चलते हैं, अनाउंसर भी बताता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। बिल्कुल बता देना चाहिए, जब किसी ने पुकारा तो जरूर मुड़ के देखना चाहिए। तो नंबर बहुत ही आसान है, 7376804090, 7376804090, और हमारे अमित भाई ने इसको नोट कर लिया होगा जी। इंग्लिश में भी बता देते हैं 7376804090, अब तो पक्का लिख लिया होगा, ये भूलने का सवाल नहीं उठता है। और निधि तिवारी, पलक और साधना, अमित कुमार, इन सब ने भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, और आपकी बात कार्यक्रम इनको बहुत ही अच्छा लगता है। और जो सुबह का एंकर कभी कभी प्रणाम अयोध्या में विचार बताते हैं, अच्छी बातें करते हैं शुरू के आरंभ में जी, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। अमित जी और आपके सभी साथीगण, आप सब आकाशवाणी से जुड़े इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो पर्व आ रहे हैं, जो त्योहार आ रहे हैं, इसके लिए आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई है। अच्छा, ये वीरम गाम गुजरात से भावसार, प्रमिला भावसार जी, और अजीत भावसार, इन सब का मैसेज मिला है। इनको शिकायत है आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम से, एक एंकर से, पिछले दिनों उन्होंने कोई प्रोग्राम किया तो लिख रहे हैं कि आप लोग 4 फिल्में बता रहे हैं लेकिन गाने आप 3 ही फिल्मों के चला रहे हैं, तो फिर 3 ही का नाम बताएं। अच्छा, तीसरी फिल्म, संजय जी इन्होंने ये लिखा है कि राखी पसंद का गाना इन्होंने भेजा था, गाना कार्यक्रम में जो है नहीं सुनवाया गया, तो कह रहे कि आप ऐसा ना करें क्योंकि रक्षाबंधन नजदीक था तो आपको राखी का गाना तो सुनवाना ही चाहिए था, 3 ही गाने आपने सुनाए, 4th गाना भी आप सुनवाए। बिल्कुल प्रमिला जी, हम क्षमा चाहते हैं और इसको जरूर देखेंगे कैसे ऐसा हो गया। अच्छा अमजीत जी, आप अपनी डायरी खुली हुई है आपकी, और आप इसको नोट करिए, कल इसको जरूर हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा सच है, मैं है क्या। और ये अगला संदेश अब्दुल्लापुर नवाबगंज बिचलापुरवा से गोलू निशाद और अयोध्या से राम का पहुंचा है। कहते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, आपकी बात और फैजाबाद के अन्य कार्यक्रम भी, लेकिन जो आपका प्रचार है, विज्ञापन है, जो वो आजकल थोड़े ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं, इसे भी कम से कम सुनाइए। आधे घंटे के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि 7 और 8 मिनट तो केवल विज्ञापनों में ही चला जाता है। गोलू भाई, खाली खवाई होगी और कमाई नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, इसलिए कमाई भी हो तभी परिवार चलता है, तो दोनों का उद्देश्य चलता रहे। अगर कोई जो विज्ञापन दाता है अगर अपना विज्ञापन बुक कर देता है तो वो हमारे लिए बाध्यता होती है उसके विज्ञापन। संजय जी, हम तो कार्यक्रमों में कभी कभी कहते हैं कि जो ये विज्ञापन होते हैं ये आकाशवाणी की जान है, ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, उसके केवल विज्ञापनों को दूसरे रूप में नहीं देखना चाहिए। विज्ञापन जो है हमको अवेयर करते हैं, किसी चीजों के बारे में बताते हैं, हम लोग तो बहुत सावधान रहते हैं अपने विज्ञापनों के प्रति, तो उसको भी कभी कभी सुने, उसमें काम की चीजें भी आती रहती हैं। और ये प्रियांशु यादव, नवल कुशवाहा और आकाश कुमार, अभय रवि, शिव नरेश, अमित, इन सब ने पोस्ट गुरसंडा ग्राम अनंतापुर सीतापुर से मैसेज किया है। लिख रहे हैं कि आपके सभी कार्यक्रम हम लोग एक साथ बैठकर ध्यान पूर्वक सुनते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और पहले नहीं सुन पाते थे क्योंकि अब ऐप पर कार्यक्रम आ गया है तो सीतापुर तक भी इसकी पहुंच बंद पड़ी है। बिल्कुल, अग्ना बाल जगत, मेरा शहर मेरे गीत, आपके संदेश, ये सभी कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगते हैं, और कह रहे हैं कि पहली बार इस कार्यक्रम में संदेश कर रहे हैं, शामिल कीजिएगा। बिल्कुल, आपका संदेश शामिल हुआ, और हम ये उम्मीद करते हैं अपने श्रोताओं से कि अपना प्यार ऐसे ही आकाशवाणी फैजाबाद के साथ बनाए रखेंगे, अपना स्नेह अपने संदेशों के माध्यम से बरसाते रहेंगे। और संजय जी, आने वाला जो 15 अगस्त है, 75वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएं, बिल्कुल जी, आजादी के अमृत महोत्सव में इसको सभी धूमधाम से मनाएं, तो अपने हर घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। देखिए, क्योंकि ये आन बान शान तो हमारे दिलों में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपने ये अपील कर दी हमारे श्रोताओं से, हमें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे और ऐसा ही करेंगे। और एक और बात जाते जाते कहना चाहते हैं हम लोग, बिल्कुल, कि जो कोविड का बूस्टर डोज लग रहा है, जिनके सेकंड डोज लगे 6 महीने हो गए हैं, या कोवैक्सीन लगे 12 महीने हो गए हैं, तो निकट के बूथ पे जाके बूस्टर डोज लगवा लें, फ्री लग रहा है। बिल्कुल, ये अवसर मिला हुआ है, आपके स्वास्थ्य के लिए सरकार सचेत है, आप खुद भी सचेत होइए। तो एक बार हम लोग फिर से सभी त्योहारों की जो आ रहे हैं बधाई देते हैं, और अगले कार्यक्रम तक के लिए लेते हैं विदा और कहते हैं नमस्कार।